हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए मोदक की एक नई रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं कलाकंद मोदक, जो काफ़ी ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। इसे बनाना बहुत आसान है, आप 10 मिनट में से बना करके तैयार कर सकते हैं। छोटा मोदक बनाओ या बड़ा मोदक, दोनों के लिए एक ही तरीका है। तो चलिए इन मोदकों को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोदक बनाने के लिए आपको चाहिए पनीर। तो मैंने यहाँ पे घर का पनीर लिया है, 150 ग्राम पनीर है ये। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। हमें क्या करना है, एक मिक्सी का जार लेना है और उसमें पनीर को ऐड कर देना है। बिना पानी के आपको एकदम स्मूथली इसको पीस लेना है, पानी ऐड नहीं करना है। ये देखिए, ये एकदम स्मूथ पीस चुका है, इसमें बिल्कुल भी पानी हमने ऐड नहीं किया था, एकदम क्रीमी टेक्सचर है। अब एक बड़े बर्तन में इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर इसका है। तो अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच शुगर पाउडर ऐड कर देंगे, या फिर आप बूरा भी ऐड कर सकते हो। 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे, क्वांटिटी दोनों की सेम होनी चाहिए। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर बन करके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इसको गर्म करना है, यानी कि पकाना है। तो एक बड़े पैन में आपको एक चम्मच घी लेना है, उसे गर्म कर लेना है, और उसके बाद जो हमने टेक्सचर बना के रेडी किया था उसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये एकदम कलाकंद जैसा टेक्सचर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अच्छे से इसे पकाएंगे, तो इस तरीके से चलाने से घी जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। हमें इसे एकदम डो की तरह बनाना है। आप देख सकते हो अभी ये हल्का सा लिक्विडी फॉर्म में है। जब आप इसे इस तरीके से चलाते रहोगे, इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाओगे ना, तब एकदम ये डो की तरह बन जाएगा, जैसे आपका डो बनता है ना बिल्कुल वैसे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये एकदम डो की फॉर्म में रेडी हो चुका है। तो गैस को हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद एक प्लेट में या किसी बर्तन में निकाल लीजिए और इस तरीके से वापस से चला दीजिए, ताकि इस पर कोई लेयर ना आ जाए। इस तरीके से चलाने के बाद में हम इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे रोज़ पेटल्स ऐड कर रही हूँ। अब उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी पिस्ता ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हो। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिठास एकदम परफेक्ट होगी इसमें। मिठास अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप और ज़्यादा शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो हमारा मिक्सचर यहाँ पे एकदम रेडी है मोदक बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे मोदक का मोल्ड ले लिया है, यानी कि उसका सांचा ले लिया है, और इस तरीके से उसे घी से ग्रीस कर लेंगे, ताकि आपके मोदक बहुत ईजिली बाहर निकल आए। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से मिश्रण लेना है और मोदक में लगा देना है, यानी कि उसके सांचे में इस तरीके से भर दीजिए, ताकि इसके जो मोदक की जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी आए। तो देखिए, मैंने इसे दोनों तरफ से भर दिया है और अच्छे से इस तरीके से दबा दिया है। जितना भी एक्स्ट्रा वो पोर्शन होगा आप उसे निकाल दीजिए। और ये देखिए, आपका बहुत ही प्यारा सा मोदक बन करके बिल्कुल तैयार है। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ, दूसरा मोदक बना के दिखा देती हूँ। मैं दूसरे वाले में थोड़े से रोज़ पेटल लगा रही हूँ, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, यानी कि पिस्ता ऐड कर रही हूँ। साथ में थोड़ा सा मिक्सचर लगा देती हूँ इसके ऊपर। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे मिक्सचर भी लगा दिया है। अब अच्छे से इसे प्रेस कर देंगे और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल देंगे बाहर, और अब इसे मोल्ड को खोलेंगे। ये देखिए, आपका जो मोदक है वो बन करके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे सारे मोदक बना करके तैयार कर लिए हैं। मैंने सारे छोटे छोटे बनाए हैं और एक बड़ा मोदक भी बनाया है। तो आप बड़े या छोटे किसी भी सांचे से मोदक बना करके तैयार कर सकते हैं। ये मोदक काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, तो एक बार बना करके इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।